हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? सोना आर्ट एंड क्राफ्ट से आज मैं आप सभी के लिए पुरानी शर्ट से एप्रन बनाना सिखाऊंगी, यानी कि किचन में जो यूज़ होता है एप्रन, वो बताऊंगी। ठीक है, ये मेरे पास पुरानी फुल शर्ट है, यानी कि फुल साइज़ का शर्ट है। तो सबसे पहले हम इस शर्ट को उल्टा करके रखेंगे, इस तरह से इसे उल्टा करके रखेंगे, और फिर ये जो सिलाई की हुई है इस तरह से हम इसे इस शेप में कट कर लेंगे। यहाँ से कट करते हुए ये जो सिलाई की हुई है बैक साइड में, इसे बैक का हिस्सा हम कट करके निकाल लेंगे। देखिए कैसे ये यहाँ से हम इसे कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने बैक का पीछे का हिस्सा जो है इसको निकाल के अलग कर लिया है, और ये मेरा कपड़ा अलग है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए फिर हम इसे जो है इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें इसे थोड़ा सा इस हिस्से को शेप को जो है हमें सही से कट कर लेना है। ये जैसा हमारा शेप है उसे वैसे ही हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से ये हमारा शेप कट हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये देखिए ये है, इसके बाद इसे खोलेंगे, ये हमारा शेप आ जाएगा। इसके बाद इसे हम साइड में रख देंगे। दूसरा हिस्सा जो हमें कट करना है वो हम इसे ये लेंगे, और ये जो बटन साइड का हिस्सा है वो हम लेंगे। तो सबसे पहले तो हम बटन को निकाल लेंगे। ये हमें इस तरह से बटन निकाल लेने हैं, सारे बटन। ये देखिए सारे बटन हमने निकाल लिए हैं, और अब हम इसे ये जो हमारा हिस्सा है कटा हुआ इसको हम इसमें ऐड करके देखेंगे कि कितना कपड़ा लगेगा। तो ये हमने यहाँ से रखा, और थोड़ा सा हमें कट करना पड़ेगा यहाँ से। ये हम यहाँ से कट करके ऐसे सीधा इस तरह से कपड़े को निकाल लेंगे, कैसे वो देखते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ से हम कट करके सीधा कट कर लेंगे। ये हमारा ऊपर का हिस्से का कपड़ा है। देखिए थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होगा, हम उसे कट कर लेंगे। थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होगा तो हम उसे कट कर लेंगे। ये हम इसके ऊपर इसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए ये जो हमने कपड़ा कट किया है उसे हम इस तरह से बराबर करके रख लेंगे। दोनों साइड को हमें एक जैसा रखना है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो हम इसे कट करेंगे। ये हमने कट कर लिया है, और ये थोड़ा सा पाइपिंग जैसी लगी हुई है इसलिए हम इस हिस्से को नीचे की ओर रखेंगे ऐसे, और इस पर हम इसमें सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे सिलाई लगाएंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हम इसे बराबर से फिर कट कर लेंगे और इसमें हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है इस तरह से, और अब हम इसे उल्टा करके रखेंगे, बैक साइड पे रखेंगे। ये देखिए फिर हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ऊपर का जो ये पार्ट है हमें इसको फोल्ड करना है। कैसे, ये देखिए डबल टाइप में फोल्ड करेंगे हम, एक बार ऐसे फिर ऐसे, और इसे फोल्ड करके हम सीधी सिलाई मार देंगे पूरी। ऐसे फोल्ड करके हम इसे डबल में सीधी सिलाई मारेंगे, और मैं अभी सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस पर सिलाई कर ली है, अब इसी तरह से हम यहाँ पर सिलाई करेंगे।
इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड करके हम इसे पूरी यहाँ से लेकर के जैसा ये शेप है इसी शेप में हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। हम सिलाई करके दिखाते हैं। ये देखिए मैंने इसमें पूरी सिलाई कर दी है, ये और ये। अगर आप ऐसा शेप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप सीधी सिलाई भी इसमें मार सकते हैं। और मैंने यहाँ पर पतला फोल्ड किया है, ये देखिए। अगर आप चाहें तो इसे आप चौड़ा भी फोल्ड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये शेप देखिए, इस तरह से हमने सिलाई कर ली है। और अब हम आगे इसकी बद्दी तैयार करेंगे। बद्दी आप अगर शर्ट के कपड़े से बनाना चाहते हैं तो आप शर्ट के कपड़े से भी बना सकते हैं, और अगर आप दूसरे कपड़े से बनाना चाहते हैं तो आप दूसरे कपड़े से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने शर्ट से पॉकेट निकाल ली है। अगर आप इसमें दूसरी कलर की शर्ट की पॉकेट लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और ये मैं यहाँ पर इसे पॉकेट में लगा दूँगी, ठीक है। और अगर आपको इसकी लेंथ ज़्यादा लगती है तो आप इसे कट करके सिल सकते हैं, पर मैंने कट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सिलाई की हुई है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। और अगर आपको लगता है कि इसकी लेंथ ज़्यादा है तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। और ये पॉकेट है जो मैं इसे यहाँ पर सिल दूँगी अभी। ये देखिए मैंने पॉकेट लगा दी है इसकी। ये हमारा आधा तैयार हो चुका है अप्रन। अब इसके बाद हम ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है शर्ट का एक साइड का बटन के अपोजिट साइड का जो कपड़ा है उसे हम काट लेंगे। रुक जाइए, ये देखिए मेरे पास ये साइड का एक साइड जो कपड़ा बचा हुआ था मैंने उसको काट लिया है। इससे हम स्ट्रिप्स निकालेंगे, इनकी बेल्ट निकालेंगे, तीन बेल्ट निकालनी है हमें। तो ये जो मेरे पास शर्ट थी इसमें ना थोड़ी सी डिज़ाइन बनी हुई, तो मैं सोच रही हूँ इसकी एक बेल्ट निकाल लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये डिज़ाइन है, देखिए। तो ये हमारी एक बेल्ट अच्छी लगेगी थोड़ी सी, तो हम इसे काट कर निकाल लेंगे। ये एक बेल्ट हमारी इससे बन जाएगी, हम इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कट कर लिया है इसे, और अब हम इसे थोड़ा सा इसे सिल लेंगे क्योंकि ये साइड से थोड़ी सी ख़राब लग रही है, तो हम इसे सिलाई लगा लेंगे तो ये लुक थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। हम इसे ऐसे सिलाई मार लेंगे। ये देखिए मैंने इसको पट्टी को तैयार कर लिया है, बेल्ट को। एक बेल्ट मेरी ये तैयार हो गई है क्योंकि इसमें ये डिज़ाइन बनी हुई थी, तो मैंने इसलिए इसको निकाल लिया है। और अब दूसरी जो बेल्ट मुझे निकालनी है, तो मैंने ये जो कपड़ा निकाला हुआ था इससे मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कैसे निकालना है। ये बेल्ट मैंने काट ली है, और अब इसे ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड करके हम इस पर ऐसे सिलाई कर देंगे, पूरी बेल्ट में मैं इस तरह से सिलाई कर दूँगी, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने तीन बेल्ट तैयार कर लिए हैं, अब हम इसे अप्रन में सिलेंगे, ठीक है। कैसे सिलते हैं वो बताते हैं। ये देखिए इस तरह से हम ये नेक पे बेल्ट लगाएंगे। मैंने अभी सिली नहीं है, सिर्फ लगा के दिखा रही हूँ आप लोगों को। और ये जो है आपकी ये ऊपर लग जाएगी ये वाली, और ये जो लगेगी बेल्ट यहाँ पर लगेगी। इस तरह से हम यहाँ पर दोनों साइड से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा अप्रन 5 मिनट के अंदर बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करें। और जो वीडियो में नए आए हैं तो मेरे बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।